तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो शेल्टर। तो दोस्तों, टोयोटा ने जो है अपनी एक मिड साइज एसयूवी टोयोटा हाई राइडर को इंडिया में अनवील कर दिया है और गाड़ी की जो है बहुत सी डिटेल आज सामने आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी कितनी बेहतरीन होती है अपनी सेगमेंट की बाकी कार से। सो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये जो एसयूवी है ये सुजुकी और टोयोटा की पार्टनर एसयूवी होने वाली है और कुछ दिनों बाद ये गाड़ी जो है सुजुकी का बैज लगाकर भी बेची जाने वाली है। उसमें हमको थोड़े बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं लेकिन वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में हमको बहुत से फर्स्ट इन क्लास फीचर्स मिलने वाले हैं। सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इंजन के साथ ये जो गाड़ी है हमको देखने को मिलने वाली है। तो इस गाड़ी में हमको जो है पावर और माइलेज का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है और ये गाड़ी जो है हमको 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का जो है बड़ा सा माइलेज भी हमको दे सकती है। 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ और हेडसअप डिस्प्ले, ऐसे जो फीचर्स है ये गाड़ी के हाईलाइटेड फीचर्स है और गाड़ी के लुक्स वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव से रखी गई है और डिसेंट से लुक्स के साथ जो है इस गाड़ी को अनवील किया गया है। ये गाड़ी जो है हमको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ देखने को मिलने वाली है और ये जो गाड़ी है इसमें हमको ऑल व्हील ड्राइव भी देखने को मिलने वाला है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाला है। और दोस्तों, ये जो टोयोटा हाई राइडर है इसको ऑफिशियली अगस्त में लॉन्च किया जाने वाला है और इसकी प्राइसिंग भी हमको तभी पता चल जाएगी। बाकी बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स के बारे में तो एक्सटीरियर जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया सा बनाया गया है गाड़ी का। और हम फ्रंट लुक की बात करें तो सामने की तरफ हमें जो है पियानो फिनिश की ग्रिल देखने को मिलती है जिसमें हमको क्रोम की स्ट्रिपिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। साथ ही में हमको जो है 2 लेयर LED DRS देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। साथ ही में हमको स्पोर्टी बम्पर्स और LED हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में हमको जो है हाइब्रिड का बैच देखने को मिलता है और 17 इंचेस के बहुत ही बढ़िया से डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रियर प्रोफाइल में हमको जो है स्लिम सी शेप LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सी प्रेजेंस प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो टेल लाइट्स है ये हमको टेल गेट में इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ हमको क्रोम की स्ट्रिपिंग मिल जाती है और जो एक सिंगल क्रोम स्ट्रिप है सेंटर की वो दोनों LED टेल लाइट्स को मर्ज करती है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और पीछे की तरफ हमें जो है टोयोटा का लोगो भी देखने को मिलता है। तो बाकी हमको रियर प्रोफाइल में जो है ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, बात करें गाड़ी के इंटीरियर डिटेल्स के बारे में तो इंटीरियर में हमें जो है ड्यूअल टोन इंटीरियर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसमें जो है सॉफ्ट टच प्रीमियम डैशबोर्ड हमको देखने को मिलने वाला है जो कि हमको ब्राउन और ब्लैक की फिनिश के साथ में ऑफर किया जाएगा। साथ ही में हमको 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाली है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। इसी के साथ हमको जो है इस गाड़ी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलने वाली है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर ड्राइवर सीट, इसे जो फीचर्स है ये हमको इंटीरियर में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इंटीरियर के कुछ बढ़िया फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में हमको जो है 55+ कनेक्टर कार टेक्नोलॉजी के फीचर्स मिलने वाले हैं और इसी के साथ हमको जो है पैनोरामिक सनरूफ और हेडसअप डिस्प्ले ऐसे प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर किए जाने वाले हैं। दोस्तों, बात करें टोयोटा हाई राइडर के पावर ट्रेन फीचर्स के बारे में तो इस गाड़ी में जो है हमको 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाने वाले हैं जिसमें हमको 1.5 लीटर के इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं और ये जो इंजन से हमको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऐसे फीचर्स के साथ में अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी इंजन की जो पावर फिगर्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो टोयोटा हाई राइडर है इसमें हमको ड्राइव मोड्स के साथ एक स्पेशल EV मोड भी मिलने वाला है तो एक बहुत ही बेहतरीन बात भी होने वाली है। साथ ही में हमको गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स में जो है ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलने वाला है तो ये भी बहुत ही डिसेंट सी बात होने वाली है। बात करें इस SUV के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो टोयोटा ने सेफ्टी पर जो है बहुत ही बढ़िया ध्यान दिया है और बहुत ही अच्छे से सेफ्टी फीचर्स जो है हमको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में हमको जो है 6 एयरबैग्स, एडवांस बॉडी स्ट्रक्चर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS with EBD, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, ऐसे जो फीचर्स है वो हमको सेफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं। तो सेफ्टी जो है वो भी हमको बेहतरीन मिलने वाली है। और अगर हम बात करें गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में तो प्राइसिंग अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है लेकिन ये जो गाड़ी है ये हमको 11-20 लाख रुपीज़ तक के रेंज में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है टोयोटा हाई राइडर के बारे में? ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन दे पाएगी या फिर नहीं, हमको कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।